हो गया, लाइव स्टार्ट हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से आइए, टाइम हो चुका है, मैं पहले आ गया हूँ, आप सभी लेट हैं। सो चलिए इन्फॉर्म कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फटाफट बताओ उन्हें मैं आ चुका हूँ लाइव। और आज जो हम करने वाले हैं वो फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं, और ये वोकैब सेशन नंबर 27 है। 26 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। हेलो 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 राजन, हेलो, चलिए फटाफट से आए, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स। चलिए जो जो रहते हैं फटाफट आए। देखो डियर, छोटा सेशन रखेंगे बट इफेक्टिव होगा। मैं आज वो फ्रेजल वर्ब्स कराने वाला हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एग्जामिनर की फेवरेट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, उन फ्रेजल वर्ब्स से चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आप मेरे हाथ में मार्कर्स देख रहे हो, लिख के कराने वाला हूँ, स्लाइड्स वगैरह नहीं होंगी, क्योंकि लिख लिख के ही आप मेहनत करो, प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करो वोकैब का। 26 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, उन सबको भी बराबर से कॉपी करो, और फिर 27 सेशन जो आज का है फिर उसको और बेहतर तरीके से कॉपी करना। क्लियर है? करें स्टार्ट, करें, मैं चाह नहीं रहा ना ज़्यादा वो करूँ, थोड़ा सा टाइम पास ना करूँ आपके साथ, जल्दी से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करें। चलिए फटाफट से आओ जो जो नहीं आए लाइव। चलिए चलिए, लेट हो आप लोग, लेट हो, ठीक है ना। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलिए जी, कमेंट्स में मैं देखता रहूंगा आपके साथ साथ, बट कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। चलिए, सो टीम मेरी कर देगी, आप लोग देखना ना, थोड़ा कुछ रिप्लाई करने का हो तो स्टूडेंट्स को रिप्लाई दे देना, सो वो आपको रिप्लाई दे देंगे, बट मैं आपको पढ़ाने पे फोकस करता हूँ। अब ध्यान दो डियर, आज जो हम करने वाले, मैंने बोला फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब यहीं से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, मैंने जो अभी आपको बोली, ये वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप 26 सेशंस का प्रॉपर रजिस्टर बनाना, आज वोकैब सेशन नंबर ये है 27। ध्यान देना डियर, जो पहला है हमारे पास फ्रेजल वर्ब वो है कम अक्रॉस, ये हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस। पहले मैं सिखा दूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना या थोड़ा सा मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। देखो, अगर मैं कम अक्रॉस की बात करता हूं तो ये इस फ्रेजल का मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें ऐसे नहीं देख सकते आप कि कम का मतलब क्या है, अक्रॉस का मतलब क्या है, दोनों को ज्वाइन करके मीनिंग देख लो, ये नहीं। मैं फ्रेजल वर्ब के पहले भी सेशंस ले चुका हूं, आपने देखे होंगे। फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि वो अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग रखती है, आपको उसी के रिगार्डिंग उसका मीनिंग देखते हुए चलना है। सो अगर मैं बात करूं कि सर कम अक्रॉस का क्या मीनिंग हुआ, याद रखना इसका मीनिंग होता है टू मीट और टू फाइंड बाई चांस। कोई भी चीज आपको मिलना, या आप किसी पर्सन से मिलने जा रहे हैं टू मीट, या कोई चीज आपको गिरी हुई मिल गई बाई चांस टू फाइंड। सो टू मीट और टू फाइंड बाई चांस। सपोज आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, रोड पे कहीं आप जा रहे हो पैदल, रोड की साइड में एक पेन पड़ा हुआ है या सपोज मार्कर पड़ा हुआ है, आपने बोला यार ये तो मुझे मारकर बाई चांस मिला था, मैंने चोरी नहीं किया, बाई चांस मुझे मिला था। चलो कोशिश करते हैं इस फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में यूज करने की। सो ध्यान से सुनो, मैंने बोला आई केम अक्रॉस, मैंने क्या बोला, क्या अ पेन, बाय क्या लिख दे, बाय द साइड ऑफ द रोड। तो रोड के साइड में आपको पेन गिरा हुआ मिला, इसीलिए जो केम अक्रॉस मैंने यहां यूज किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली, सो केम अक्रॉस जहां भी आपको लिखा हुआ दिखेगा उसका मीनिंग हमारे सामने निकल के आएगा टू मीट और टू फाइंड बाय चांस। क्लियर हो गया? सो एक बार मेरे साथ साथ बोलना है, ध्यान से सुनो शैतानों, देख रहा हूं मैं तुम्हारे कमेंट्स, ठीक है, भले ही फेस मेरा कैमरे के सामने, कमेंट्स पे भी निगाहें हैं। चलो मेरे साथ साथ बोलो एक बार, कम अक्रॉस टू मीट और To find by chance, बोला ना। चलिए बात करते हैं डियर, बस अब ज्यादा कमेंट्स पे ध्यान मत दो, ध्यान दो जो मैं करा रहा हूं। सेकेंड फ्रेजल वर्ब की, जो सेकेंड फ्रेजल वर्ब है वो हमारा कम बाय। अब देखो मैंने लिखा कम अक्रॉस, कम बाय। अब यहां से देखो, यहां अक्रॉस था, यहां मैंने प्रेपोजिशन यूज कर ली बाय, तो क्या मीनिंग सर बिल्कुल चेंज हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है। याद रखना जो इसका मीनिंग आता है वो आता है किसी चीज को प्राप्त करना, जिसको मैं कह सकता हूं टू ऑब्टेन, किसी चीज को प्राप्त करना, टू ऑब्टेन, हिंदी प्राप्त करना प्लीज लिख लेना जो हिंदी मीडियम के मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो कम बाय टू ऑब्टेन, पाना किसी चीज को। जैसे मैंने बोला यार इतनी अच्छी जॉब तूने कैसे पाई थी, इतनी अच्छी जॉब तूने कैसे पाई थी। सो ये सेंटेंस आप ट्राई कर रहे हो किसी से बोलने का,
तो उसके लिए माय डियर आप क्या यूज करोगे, कम बाय। चलो एग्जांपल से समझने की जरा कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला हाउ डिड यू कम बाय सच अ नाइस जॉब, हाउ डिड यू कम बाय सच अ नाइस जॉब, क्लियर हो गया। सो मैंने बोला हाउ डिड यू कम बाय सच अ नाइस जॉब। सो यहां पर आपको ये फ्रेजल वर्ब दिखाई दी कि कम बाय यहां यूज हो रहा है, जिसका मीनिंग हो गया टू ऑब्टेन, पाना किसी चीज को। सो आपने इतनी अच्छी जॉब जो है वो कैसे पाई, आप ये इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज करोगे। आसान चल रहा है ना, दिमाग में बैठ रही है ना बातें, इसलिए मैंने सोचा मैं लिख के ही क्यों ना करा दूं, पीडीएफ वगैरह का झंझट ना पाले। और बेटा आप भी जैसे ही सेशन में खत्म करूंगा, आपका लाइव सेशन खत्म नहीं होगा, आप घर पे बैठ के आप उसका अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर देना और इनको कॉपी करने लग स्टार्ट कर देना। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहले मैं पेन नहीं चलाना शैतान, पेन नहीं चलाना, पहले मैं खत्म कर लूं उसके बाद। चलिए बात करते हैं थर्ड फ्रेजल वर्ब की। अब मैं कम से ही बना देता हूं, कम फॉरवर्ड, एक मैंने बना दिया कम फॉरवर्ड। सो सर कम फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। कम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पता है आपको, आगे आना, इसका रिलेट कर सकते हो मीनिंग। कम फॉरवर्ड, किसी की मदद करने के लिए सामने आना, कम फॉरवर्ड किसी की हेल्प करने के लिए सामने आना। तो मैं क्या बोल दूं, टू ऑफर हेल्प बोल दूं इसको, टू ऑफर हेल्प, क्या ऑफर करना, हेल्प ऑफर करना मैं इसको कह सकता हूं। सो कम फॉरवर्ड का मतलब हो गया टू ऑफर हेल्प। ध्यान से सुनो, चलो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आप कहीं जा रहे थे, रोड पे साइड में कोई पर्सन जो हो वो गिरा हुआ था, आपने बोला यार सर कोई भी उसकी मदद करने के लिए ना सामने नहीं आया, कोई भी उसकी मदद करने के लिए, कोई भी उस पर्सन की मदद करने के लिए सामने नहीं आया। अब इस टाइप का आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किससे बनाओगे, कम फॉरवर्ड। चलो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पर्सन, Nobody came forward to help the person. So, इस चीज से हमने यूज कर लिया कम फॉरवर्ड, तो आसान हो गया। कितनी फ्रेजल वर्ब हो गई, तीन। चलिए डियर बात करते हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब की। मैंने लिखा कम फ्रॉम, अब ये फ्रेजल वर्ब यूज की मैंने कम फ्रॉम। अब देखो कम फ्रॉम का मतलब क्या होता है, मैंने बोला भाई कहां से आते हो, ये नहीं है कि प्लेस से आते हो, नहीं। कम फ्रॉम का मतलब है आप किससे बिलोंग करते हैं, जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो मैं बोल दूंगा कम फ्रॉम आर रिच फैमिली। सो कम फ्रॉम आर रिच फैमिली का मीनिंग क्या देगा, कि आप बाय बर्थ जो है आप किससे रिलेट करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, उसके लिए आप कम फ्रॉम यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग मुझे कुछ ये समझ आता है कि मैं कह सकता हूं बेटा कमेंट नहीं, कमेंट पे ध्यान मत दो, और जो कमेंट है आप, मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप ये पूछते रहते हो सर बैच में ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये चीज़ छोड़ दो, जो भी चल रहा है अभी सुनते चलो मेरे लाल, सुनते चलो, ठीक है, समझो चीज़ों को क्या चल रहा है। अब देखो मैंने कम फ्रॉम क्या बोला, टू हैव वंस बर्थ इन, टू हैव वंस बर्थ इन, कि कहां या किस प्लेस से या किस चीज से वो बिलोंग करता है, जहां उसका जन्म हुआ है, उसके लिए आप बोलते हो कम फ्रॉम। मैंने सेंटेंस नहीं बनाया था अभी, रिच फैमिली का एग्जांपल, सपोज करो मैंने बुलाया दे कम फ्रॉम अ रिच फैमिली। इस तरीके से आप इसका एग्जांपल जो है बना सकते हो। ये है कहानी यहां तक, तो समझ आया फोर्थ फ्रेजल वर्ब। चलिए बात करते हैं डियर फिफ्थ की। अब इसी में देखना है, मैं छोटा सा चेंज करने वाला हूं, कम इन फ्रॉम आ रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है, चलो कम इन फ्रॉम। अब सर ये कम इन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कम इन फ्रॉम रिलेट किया जाता है रिसीव करना, या तो आप क्रिटिसिज्म रिसीव कर रहे हैं या ब्लेम रिसीव कर रहे हैं। सपोज करो ऐसा, पार्लियामेंट में किसी ने कोई स्टेटमेंट जो है पेश की, उस स्टेटमेंट को बड़ा क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है ना, लोगों ने बड़ा ब्लेम किया उस पर्सन को, उस स्टेटमेंट को बड़ा क्रिटिसिज्म मिला, तो उसके लिए आप यूज करोगे कम इन फ्रॉम, क्रिटिसिज्म रिसीव करना या ब्लेम रिसीव करना। सो इसका मीनिंग जो मैं यहां से तैयार कर पा रहा हूं वो क्या निकलेगा, कम इन फ्रॉम, टू रिसीव क्या, ब्लेम, टू रिसीव मैंने क्या बोल दिया, ब्लेम, या आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म,
ठीक है, क्रिटिसिज्म आप दोनों ही यूज कर पाओगे। तो क्रिटिसिज्म या ब्लेम रिसीव करना, उसके लिए आ जाता है कम इन फ्रॉम। बात करें इसके एग्जाम्पल की, कहां लिख दूं, यहां पे लिख दूं, ठीक है, दिखेगा नहीं नीचे बोर्ड पे, कट ना जाए। यहां से सुनो, मैंने बोला द, ब्लू से लिख देता हूं, द स्टेटमेंट ऑफ द लीडर, चलो यहीं लिखो, कम इन फ्रॉम क्रिटिसिज्म। इसके बाद लिखना है आपको क्रिटिसिज्म, कम इन फ्रॉम क्रिटिसिज्म, और चाहो तो आप कर दो कम इन फ्रॉम क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से शायद बनी नहीं बात, ध्यान रखना बेटा इसका ये एग्जाम्पल है, मैं बाउंड्री लगा देता हूँ। समझ आ रहा है ना, चेहरे की स्माइल बता रही है शैतान, समझ आ रहा है तेरे को आज, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। ये एग्जाम्पल है अपना फिफ्थ, कम इन फ्रॉम का। तो ध्यान से सुनो, कितनी फ्रेजल वो भी, पांच, कम अक्रॉस, कम बाय, कम फॉरवर्ड, फिर मैंने कराया कम फ्रॉम और कम इन फ्रॉम। तो सारी चीजें यहां पर है। अब क्या करें, कॉपी तो मत करो वरना टाइम खराब होगा। मैं साइड में हो रहा हूं एक सेकंड के लिए, आप आराम से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो गया ना, अरे मार करके गया। सो डियर, प्लीज कॉपी नहीं करना, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे की गल्ला करते हैं। मेरे भाई स्क्रीनशॉट ही लो, कॉपी मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो बस, कॉपी मत करो, हो गया ना। चलो अब आगे बात करते हैं, हटा दूं, सबने ले लेना स्क्रीनशॉट, वरना ये वीडियो लाइव के बाद सेव ही रहनी है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मेरे भाई, अब बात करते हैं आगे। तो ये पांच फ्रेजल वर्ब होगी, बातचीत को आगे बढ़ा देते हैं। आज सारी की सारी मैं फ्रेजल वर्ब्स ट्राई कर रहा हूं ना, कम से रिलेटेड मैं खत्म करूं। देर होता क्या है, जैसे ही वर्ब के साथ आप कोई प्रपोजिशन देखते हो तो वो अपना ही एक स्पेसिफिक मीनिंग वहां से बनाती है, उसी को हम फ्रेजल वर्ब की तरह देखते हैं। बाकी फ्रेजल वर्ब का इंट्रो पहले मैं सेशंस में ले चुका हूं, आप सारे सेशंस देखोगे वहां दिखेगा। बढ़े आगे, बस कमेंट पे ध्यान नहीं, ध्यान दो। देखो जी, अब फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, सिक्स्थ, जो कम से ही मैं यूज कर रहा हूं, एक हो जाती है, आती है एग्जाम में, कम ऑफ। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, कम ऑफ, ध्यान से सुनो, ऑफ होता है ना किसी चीज को बंद करना, स्टॉप करना, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। और कम ऑफ, कोई भी चीज अगर स्टॉप होने तक, अंत तक आई है, इसका मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हो गया ना। तो किसी भी चीज को आप बोलते हो, जैसे मीटिंग है, दो पार्टीज की हो नहीं रही थी, बट एट लास्ट वो मीटिंग हो गई थी, उसके लिए आप क्या बोलोगे, कम ऑफ। सो अंत तक आना, इसका मतलब वो चीज वहां हुई। सो उसके लिए आप कह सकते हो टू टेक प्लेस, कि उसने जो है अपना जगह ली, इसका मतलब वो चीज हुई। सो आप इसको कह सकते हो टू टेक प्लेस, कि वो चीज हुई। आप या इसे कह सकते हो टू टेक प्लेस सक्सेसफुली, आप चाहो तो लिख सकते हो टू टेक प्लेस सक्सेसफुली, कि सक्सेसफुली वो चीज हुई, ठीक है। हिंट जो मैंने दी उसको याद रखना, कम ऑफ कैसे याद रखोगे, तो ऑफ है अंत तक आना, बंद होना, कम ऑफ इसका मतलब कोई चीज अंत तक आई है तो वो चीज हुई, टू टेक प्लेस सक्सेसफुली, जैसे मैंने मीटिंग का एग्जाम्पल लिया। चलो उस एग्जाम्पल से मैं बनाने की भी कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल, जरा ध्यान दो। मैंने बोला एट लास्ट द मीटिंग, अब ध्यान से सुनो, द मीटिंग केम ऑफ, सपोज मैं पास्ट बना रहा हूं तो सेकेंड फॉर्म यूज कर लूंगा, एट लास्ट द मीटिंग केम ऑफ। अब वो किस किस की थी मीटिंग, बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है, एट लास्ट द मीटिंग केम ऑफ बिटवीन द टू पार्टीज, उसके लिए आप इस चीज को यूज करते हो। सो हमने बोला At last the meeting came off between the two parties. Clear हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयदीप सर फैन क्लब, थैंक यू मेरे भाई, अच्छा चैनल का नाम रखा हुआ आपने यूट्यूब पे, जयदीप सर फैन क्लब। चलो मेरे भाई आगे बात करते हैं। देखो सो ये हुआ सिक्स्थ, सेवन देखते हैं। बस बेटा ध्यान दो, मत दो कमेंट पे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता ना, तुम सोचते मेरा नाम भी लो, मेरा नाम भी लो। देखो सेवन्थ है हमारे पास कम राउंड, कम राउंड, अब कम है बस, मैंने यहां पे क्या कर दिया, राउंड कर दिया। अब कम राउंड का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना,
कम राउंड, राउंड आप ये देखो, कम राउंड किसी चीज के आसपास आना, तो इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करो, किसी की ओपिनियन मान लेना। जैसे आपके फादर साहब ने बोला कि बेटा आपके लिए ये करियर ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, प्लीज तू इस लाइन पे आ जा। आपने बोला ठीक है पापा, इसका मतलब आपने अपने फादर की ओपिनियन को एक्सेप्ट किया है। उसके लिए यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब कम अराउंड, किसी भी पर्सन की ओपिनियन को मान लेना। सो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा फिर, इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, किसी पर्सन की ओपिनियन को क्या कर लेना, मान लेना। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये ले लो, एट लास्ट द चाइल्ड केम राउंड, हालांकि उसके ओपिनियन सलाह को माना, केम राउंड टू एक्सेप्ट क्या था, to accept the career choice, जो career choice चुनी थी उनके father ने, of his father भी आप लिख सकते हो, of his father, कि उनके father ने जो career option के लिए चुना था उसने उसको मान लिया। so come round का मतलब है मान लेना, आप ये कह सकते हो उसका हिंदी medium के लिए अगर लिखना है बेटा, मान लेना, to accept someone's opinion। clear हो गया? but इन चीजों को सीख लो, इतना भी हिंदी medium में मत जाओ। clear है? चलो बात करते हैं अगले 8th phrasal verb की, ध्यान देना अब मैं इसे क्या बनाने वाला हूँ। चलिए भाई कमेंट पे नहीं डियर, चलो मैं रिप्लाई दूंगा बट बाद में, क्लास के बाद में देख लेंगे उन चीज़ों को। आज मुझे काम था, जाना था, बट मैंने सोचा एक छोटा सा सेशन लाइव कर ही दूँ आप लोगों के लिए। ध्यान दो, 8th पे ध्यान देते हैं। ये है डियर कम थ्रू, ठीक है, कम थ्रू। अब कम थ्रू का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। थ्रू होता ना किसी चीज़ के थ्रू आना या जाना। सपोज करो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, आप इसके थ्रू आ गए, यही तो है हमारा थ्रू, ठीक है, कम थ्रू। तो ये चीज यहां तक है, अब आप उस चीज के थ्रू आ गए, पहुंच गए, वही मीनिंग है कम थ्रू का, किसी भी चीज को कंप्लीट करना सक्सेसफुली। याद रखना, आप आ गए, आप पहुंच गए, किसी भी चीज को सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर लिया, आपने यूज कर लिया, उसके लिए कम थ्रू। तो मैं क्या बोलूंगा, टू कंप्लीट, ब्लू से लिख देता हूं, टू कंप्लीट सक्सेसफुली, किसी भी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, उसके लिए आप बोल देते हो कम थ्रू। क्लियर हो गया? सो कम थ्रू हो गया टू कंप्लीट सक्सेसफुली, किसी भी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देना, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? एग्जांपल सुनो, जैसे सपोज करो आप बार बार किसी चीज में हार रहे हैं, ठीक है, बट आपने हार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपने एफर्ट्स किए और फाइनली एट लास्ट जो आपके एफर्ट्स थे वो केम थ्रू, क्या हो गए, कंप्लीट हो गए सक्सेसफुली। इस तरीके से आप इस फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हो। चलो भी ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, आपने क्या एक्सेप्ट नहीं किया था, डिफीट, हार। सो इसका मतलब मैं बनाऊंगा ही डिड नॉट एक्सेप्ट, मैंने बोला ना ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, उसने डिफीट, हार को एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड इसी वजह से क्या हुआ, हिज एफर्ट्स केम थ्रू। उसने हार को एक्सेप्ट किया नहीं और फिर क्या हुआ, उसके एफर्ट्स क्या कर गए, केम थ्रू कंप्लीट सक्सेसफुली, उसके एफर्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट हुए और उसने सक्सीड किया, ठीक है जी। चलिए, सो 8th हो गई, 9th फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं डियर। समझ आ रहा होगा आई थिंक, स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है, बताओ फटाफट बताओ, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, देख रहा हूं मैं कमेंट, अब बताओ। ज्यादा तो नहीं लग रही, चलिए समझ आ रहा है तो हैंड रेज करो फटाफट, फटाक से हाथ उठाओ मेरे भाई, चलो झपकी मत लो, इतनी जल्दी, इतनी रात को थोड़ा ना सोते हो तुम लोग, चलो आओ देखो आगे, देखो ध्यान दो जी 9th। अच्छा एक बात है, कभी नोट करना, जैसे हमने नाउन मैराथन ली थी, रात को पढ़ने का मजा ही अलग है, रात को पढ़ने का मजा ही अलग है, और ये तो टाइम बड़ा अच्छा होता है 9:30 के बाद वाला जो होता है, ठीक है। चलो डियर देखें 9th को देखते हैं। मैंने बोला कम अप अगेंस्ट,
ये फ्रेजल वर्ब करते हैं। अच्छा, दो फ्रेजल वर्ब आपस में रिलेट करेंगे। एक काम करो ना, तुम यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा इसको यहाँ तक हटा के फिर बातचीत करता हूँ आगे। मैं साइड पे हो रहा हूँ, जरा लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ये नाइन्थ वाली मैं ऊपर ही करा रहा हूँ, हो गया ना? देखो, ये नाइन्थ वाली फ्रेजल वर्ब मैं ऊपर ही करा देता हूँ, कम अप अगेंस्ट, क्योंकि नाइन्थ और इससे जो अगली मैं कराने का सोच रहा हूँ ना, वो दोनों आपस में रिलेट करती है मेरे भाई, वो दोनों आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है जी, देखो मैंने बोला कम अप अगेंस्ट, कम अप अगेंस्ट, ये है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कम अप आप होते हैं ना, जैसे आना, कम अप आप होते हैं ऊपर आना, इस तरीके से लो। अगेंस्ट इसका मतलब, अगेंस्ट तो आपके लिए पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव कुछ मीनिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। सो कम अप अगेंस्ट, आप किसी चीज को फेस करने वाले हो आपके अगेंस्ट, क्लियर हो गया? किसी चीज को फेस करने वाले हो आपके अगेंस्ट, इसीलिए कई बार कम अप अगेंस्ट का जो हिंदी मीनिंग में देखता हूं या मैं बता सकता हूं आपको, वो है झेलना। हिंदी में बोलते हैं ना, चीजों को झेलना, ये चीज झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ है जिसको आपको झेलना है, और उस झेलने को डियर इंग्लिश में नॉर्मल क्या बोल दोगे, टू फेस। आपको उस चीज को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, उसके लिए आप यूज कर सकते हो कम अप अगेंस्ट। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल दिया जिसको अपोजिशन फेस करना पड़ा है या जिसको क्रिटिसिज्म में फेस करना पड़ा, उसके लिए आ जाता है कम अप अगेंस्ट। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट कम्स अप अगेंस्ट अ सीरियस अपोजिशन। आप इस तरीके से के सेंटेंस में यूज कर सकते हो। सपोज करो आप किसी न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन देख रहे हो, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो इस चीज को, या न्यूज में पढ़ रहे हो, तो वहां पे हम यूज है ना कर लेते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हम यूज कर लेते हैं उस तरीके से आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो कम अप अगेंस्ट का मतलब है झेलना या फेस करना। आसान हुआ, नेक्स्ट बात करते हैं। सो अब बात करते हैं जी अपनी टेंथ फ्रेजल वर्ब की। इसको भी मैं डियर कम से ही बना देता हूं। ये आ गया कम अप विद। अब देखो, इसलिए मैं इरेज कर रहा था दोनों को। कम अप अगेंस्ट है तो किसी के खिलाफ हो गया, कम अप विद किसी के साथ आप उभर के आए हो। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। जब आप मुसीबत में होते हैं तो याद रखना डियर, इस लाइफ में, इस जिंदगी में मुसीबतें भी होनी चाहिए। मुसीबतें हमें सिखाती हैं लड़ना। मुसीबतों में जब होते हैं, हम डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं, तब हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और दिमाग हमारा क्रिएटिव आइडियाज़ निकालता है। सो कई बार लोग बोलते हैं कि जब जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका सोल्यूशन के लिए दौड़ता हूँ, मैं सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल ही लेता हूँ। इस तरीके से आप यूज़ करते हो कम अप विद सम न्यू आइडियाज, कम अप विद सम न्यू आइडियाज, ये चीज आप यूज करते हैं। सो कम अप विद का मतलब है चीजों को प्रोड्यूस करना, आना आपके दिमाग में, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो टू फाइंड, टू प्रोड्यूस, क्लियर हो गया ना? इस तरीके से आप इसको यूज करो, टू फाइंड, या आप इसको बोल सकते हो टू प्रोड्यूस। जैसे जब जब मैं मुसीबत में होता हूं, मैं सोचता हूं और मैं कम अप विद करता हूं सम न्यू आइडियाज के साथ। चलो अब इसके इंग्लिश की बनाने की कोशिश करो। सो मैंने बोला एवरी टाइम यू फेस अ प्रॉब्लम, एवरी टाइम यू फेस अ प्रॉब्लम, सपोज करो फिर क्या बनाओ हमने कि आप आते हो न्यू आइडियाज के, या न्यू आइडिया के साथ आते हो। सो मैंने बोला एवरी टाइम यू फेस अ प्रॉब्लम यू कम अप विद अ न्यू आइडिया। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो आसान हो गई जी कहानी। तो यहां तक थी हमारी जबानी। तो ये 10
फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, नाराजगी की बात नहीं, सेशन यहाँ पे रोकेंगे। उसका रीजन है डियर, क्योंकि कम से जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थी मैंने वो सारी आपसे डिस्कस की हैं, जो 10 फ्रेजल वर्ब्स वैसी बनने वाली थी। लिख लिख के आपके गुरु ने मेहनत की है ताकि आप लोग भी इन्हें लिखें। डियर एक बार मैंने लिख के समझा दिया, एक बार आप इसे कॉपी करोगे स्क्रीनशॉट के चोचले मत पालना। अभी तो स्क्रीनशॉट ले लिए, बट इसको अब कॉपी कर लेना बेहद अच्छे से, साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बात माना करो, अपने गुरु की बात मानते जाओ, मेरे पे भरोसा रखो, बेहतरीन वोकैब याद होती जाएगी मेरे बच्चे, बेहतरीन वोकैब याद होती जाएगी। ठीक है जी, चलिए। सो ये अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, ये था हमारा वोकैब सेशन नंबर 27। वोकैब सेशन नंबर 27 है, 26 ऑलरेडी हो चुके हैं, और एक शायद ना 6 सेशन है नहीं, काउंटिंग थोड़े से मिसमैच है, 6 सेशन नहीं मिलेगा, बाकी सारे 1 to 27 तक आपको यहां पे मिल जाएंगे। क्लियर है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो करेंगे बातचीत बाकी भी, तो अभी मैंने बोला था जैसे मेरे को जाना था, बट मैंने सोचा एक छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ ले लूं। तो 10 फ्रेजल वर्ब्स हमने कर ली हैं, इनको याद करो, अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, सो मिलते हैं, गुड नाइट सभी, आराम, मैं भी नहीं सोने वाला। ठीक है, आप भी मत सोना प्लीज, आपको करनी है सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी करो, यहां तक याद करो, पूरी रात जगा करो, जितना रात को कुछ होता ना, जो रातों को जग गया ना उसकी लाइफ का सवेरा बेहद अच्छा होगा, जो रातों को जग गया उसकी लाइफ का सवेरा बेहद अच्छा होगा। तो अब देख लो आपको अच्छा सवेरा चाहिए कि नहीं। क्लियर है, सो प्लीज घर पे रहो, सेफ रहो, घर से बाहर तभी निकलो जब बेहद जरूरी हो, अदरवाइज मत निकलो। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं वीडियो के एंड में या लाइव सेशन के एंड में आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बोलो हाँ फटाफट से हैंड रेज करो, अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्लियर है, चलिए। तो फ्रेजल वर्ब से घबराओ मत, याद होती है, बस डियर सच्ची लगन के साथ याद करो चीजों को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।